इस पर हम आपको जगदीशपुर के इस कतरनी धान उत्पादक संघ के सदस्य आनंदी प्रसाद की राय से रूबरू कराते हैं। हमारे इस कतरनी उत्पादक संघ को बनाने के लिए आत्मा ने हमें काफ़ी सहयोग किया है। हमें लगता है कि आत्मा ने ही आज हमारे संगठन को मजबूती प्रदान किया है, जो कि हमें जीआईएसएन मिला है। आत्मा के द्वारा बीच बीच में हमें प्रोत्साहित करने के लिए बीच बीच में बुलाते रहते हैं, बैठक करवाते रहते हैं। इस वजह से हमारा आज संघ एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने जा रही है। हम लोग को संघ को विभाग के तरफ से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। विभाग के द्वारा ही, विभाग के अनुरोध पर ही हम लोगों ने संघ का निर्माण किए। हम लोगों ने विभाग को जाकर के बोले कि सर हमें हमारा एक संघ बना दीजिए। उन्होंने हमारे संघ को प्रोत्साहन बनाने के लिए बहुत बार मीटिंग किया, बहुत बार हम लोग को बुलाया, आमंत्रित किया। हम लोग गए वहाँ पर विभाग में, उसके द्वारा हम लोग का संघ का निर्माण हुआ। फिर हमारे विभाग के द्वारा जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा गया, जो कि हमारा जीआई रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंपनी का। उसके बाद अभी तक परिभ्रमण के लिए तो एक बार सिर्फ ले गया, फिर दोबारा अभी तक नहीं ऐसा मौका मिला है। बीच बीच में मीटिंग वगैरह आके करवाते हैं हमारे पदाधिकारी लोग, और जैविक खाद के बारे में ज़्यादातर बताते हैं कि जैविक खाद का प्रयोग करें। और हम लोग ने प्रोत्साहित होकर के जैविक खाद का प्रयोग कर भी रहे हैं। अब हमारे किसान चौपाल के में पाठशाला भी लगती है। पाठशाला के द्वारा हमें इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिया जाता है, खेतों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। ज़्यादातर हम लोग कहते हैं ना, हमारे जो कतरनी धान उत्पादक संघ है, इसके बारे में, कतरनी के बारे में ज़्यादातर प्रोत्साहित हम लोग को वो आकर के हमारे पाठशाला में बताते हैं। जून मध्य से इस धान की खेती करना हम शुरू करते हैं, बीज की बुआई करते हैं, और जुलाई के मतलब आधी जुलाई 15 जुलाई तक इस धान को हम लोग रोप देते हैं। उस धान को रोपने के लिए हम लोग खेतों में बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं, खाद की मात्रा बहुत कम उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद हम लोग नहीं डालते हैं। ज़्यादातर अभी जैविक खाद का प्रकोप है। हम लोग किसान के चौपाल वगैरह में जाते आते हैं, हमारे किसान सलाहकार या ब्लॉक के द्वारा हम लोग जैविक खाद के बारे में ज़्यादातर प्रोत्साहित किया जाता है। तो हम लोगों ने जैविक खाद के लिए भी मार्गदर्शन अनुसार जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं खेतों में। जैविक खाद जैसे नीम से खाद बनता है, नीम के पत्ती से खाद बनाता है, नीम के छाल से, फिर अपना बर्मी कंपोस्ट की इकाई वही बनाए हुए हैं। उसकी इकाई से हम लोग खेतों में बर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं। 10-15 क्विंटल हेक्टेयर के 10-15 क्विंटल के हिसाब से एक हेक्टेयर में डालते हैं। इससे हमारे खेतों की नमी बरकरार बनी रहती है, पानी उसमें कम मात्रा में लगता है। अगर हम लोग वो नहीं डालेंगे बर्मी कंपोस्ट, सिर्फ खाद के भरोसे रहेंगे, तो हमारा खेत खराब हो जाएगा।